हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी धातुओं को कैसे हम लोग निष्कर्षित करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, लेकिन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के पहले आपको पीछे जाना पड़ेगा। आपने पिछली क्लासों में कल पढ़ा था कि हमारे ओर क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स क्या होते हैं। तो आपने मिनरल्स ओर को, फिर ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारी पूरी प्रोसेस होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, पार्ट मेटलर्जी या फिर धातु कण, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेटल होता है, इसकी प्रोसेस होती है। एक हमारी फिजिकल प्रोसेस होती है, दूसरी हमारी केमिकल प्रोसेस होती है। यदि हम लोग फिजिकल प्रोसेस की बात करें पूरी मेटलर्जी की, मेटल के एक्सट्रैक्शन की, फ्रॉम ओर, हम मेनली होता क्या है कि जो मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो ओर से ही किया जाता है। इसलिए उस मिनरल्स को हम लोग ओर बोलते हैं, क्योंकि जब हम ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारे लिए इकोनॉमिकली वो लाभप्रद होता है, हमको वहाँ पर खर्च कम करना पड़ता है। और मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, मेटल की जो फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा होती है, सो मच हाई होती है, इसलिए उसे हम लोग ओर बोलते हैं। तो उसी ओर से हमको मेटल का एक्सट्रैक्शन करना होता है, जिसे हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। तो किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दो प्रोसेस यहाँ पर यूज की जाती है, एक हमारी होती है फिजिकल प्रोसेस, दूसरी हमारी होती है केमिकल प्रोसेस। यदि हम फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो जो टू स्टेप होता है किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द ओर, वो होता है सबसे पहले क्रशिंग ऑफ ओर, इसका पीसना। जो हमारे ओर होते हैं बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उन बड़े बड़े ओर को सबसे पहले हम लोग हथौड़ों से तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीस में, फिर क्या करते हैं उसको ग्राइंडर में पीसते हैं। तो जो ओर होता है उस ओर का पाउडर फॉर्म आपको ऑब्टेन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, वही हमारा होता है क्रशिंग ऑफ ओर। अब उसके साथ जब हम ओर को अर्थ से निकालते हैं, उसके साथ यहाँ पर गैंग्स होते हैं, जिसे हम लोग मैग्नेट्स बोलते हैं, या फिर जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वही हमारी गैंग्स होती है। जब हम लोग क्या करते हैं ओर को पृथ्वी के नीचे से खोद करके निकालते हैं, तो उसके साथ यहाँ पर मिट्टी, पत्थर, कंकड़, बालू, ये सारी तमाम प्रकार की इम्प्योरिटीज भी साथ में आती हैं, उनको हम तोड़ के पीस देते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी वहाँ पर ओर के साथ पिस जाती हैं। मतलब जो पिसा हुआ ओर है, क्रशिंग ऑफ ओर है, उसमें तमाम प्रकार की इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को दूर करना है, तो दूर करने के लिए उसको हमको कंसनट्रेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंसनट्रेट करना पड़ता है। हमारा जो प्रोसेस हो जाएगा वो हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ ओर, अयस्कता सांद्रण। अब ये जो दोनों प्रोसेस है, पहला क्रशिंग ऑफ ओर, दूसरा कंसनट्रेशन ऑफ ओर, ये दोनों हमारी होती है फिजिकल प्रोसेस। लेकिन जब हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं, तो केमिकल प्रोसेस में जो हमारा होता है, सबसे पहले केमिकल प्रोसेस में कैल्सिनेशन की प्रोसेस होती है, जिसे हम लोग निस्तापन बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है रोस्टिंग के प्रोसेस, जिसे हम लोग भर्जन बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है स्मेल्टिंग की प्रोसेस, जिसे हम लोग रेगुलर कहते हैं, गलाते हैं। हाई टेम्परेचर पर हमको मेटल को क्या करना है, फ्यूज करना है, उसको हमको मेल्ट करना है। तो जो हमारी प्रोसेस होती है, हमारी स्मेल्टिंग होती है, स्मेल्टिंग के बाद रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के बाद उसका प्यूरिफिकेशन, उसका हम कैसे शोषण करते हैं। तो कुल मिला के जो हमारी फिजिकल प्रोसेस होती है, उसमें दो होती है, सबसे पहले क्रशिंग ऑफ ओर, दूसरा हमारा होता है कंसनट्रेशन ऑफ ओर, ऐसे का पीसना, दूसरा होता हमारा ऐसे का सांद्रण। लेकिन जब हम केमिकल प्रोसेस में आते हैं, तो हमारा फर्स्ट है कैल्सिनेशन, सेकेंड है रोस्टिंग, थर्ड है स्मेल्टिंग, फोर्थ है रिडक्शन, देन प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। हम लोग बात करते हैं क्रशिंग ऑफ ओर के बारे में। सबसे पहले करते क्या है, जो हमारे ओर होते हैं उनको हम अर्थ से निकाल करके, जो उनके विशालकाय पत्थर होते हैं, उनको सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद ग्राइंडर में उसको पीस लेते हैं। तो जो पहला प्रोसेस होता है, जैसे क्रशिंग ऑफ ओर, जब क्रशिंग ऑफ ओर में जो पिसा हुआ हमारा एस है, उसमें तमाम प्रकार की इम्प्योरिटीज होती है। अभी हमने बताया कि जो मिट्टी होती है, कुछ कंकड़ होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, कुछ बालू होते हैं, ये तमाम प्रकार के इम्प्योरिटीज भी उस ओर के साथ यहाँ पर क्रश हो जाते हैं। तो उसी क्रशिंग ओर में हमारी इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है। उस इम्प्योरिटीज को हमको यहाँ पर दूर करना है, उसको हमको निकालना है। तो जो निकालने के लिए हमारा प्रोसेस होता है, वो होता है कंसनट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसनट्रेशन ऑफ ओर मेनली थ्री प्रोसेस से किया जाता है, वैसे तो फोर प्रोसेस से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमको थ्री प्रोसेस करना है।
तो जो पहला यहाँ पर है वो हमारा है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण विधि। तो इस मेथड के द्वारा हमको ऐसे क्रशिंग बोर्ड का कंसंट्रेशन करना होता है जिसमें जो हमारी इम्प्योरिटीज होती है बहुत हल्की होती है, लाइट इम्प्योरिटीज होती है। तो होता क्या है कि एक यहाँ पर हम पात्र लेते हैं पृथक्करण विधि में, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में। सबसे पहले ओर को हम लोग पीस लेते हैं। पीसने के बाद करते हैं क्या है, एक हम लोग पात्र लेते हैं, बकेट लेते हैं, जिसमें एक तरफ से पानी आता रहता है, दूसरी तरफ से पानी जाता रहता है। मतलब फिर क्या करते हैं, उस क्रशिंग ओर को उस जल के बहते हुए धारा के साथ धोते हैं। तो जो हमारी लाइट इम्प्योरिटीज होंगी, हल्के गैंग होंगे, हल्की अशुद्धियां होंगी, वो जल की धारा के साथ बह जाएगी, जबकि जो हमारा ओर होता है नीचे बैठ जाएगा। जो पहला प्रोसेस है वो हमारा हो जाएगा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसमें करना क्या है, केवल एक चीज कि जो हमारा क्रशिंग ओर है उसको जल की तेज बहती हुई धारा के साथ हम धुलते हैं, बात करते हैं। जो हमारी लाइट इम्प्योरिटीज होती है वो फ्लोट हो जाते हैं जल की धारा के साथ, जबकि जो हमारे ओर होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। ये पहला प्रोसेस होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। मोस्टली ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के थ्रू हमको कार्बोनेट ओर और ऑक्साइड ओर का यहाँ पर सेपरेशन करना होता है। जितने भी हमारे कार्बोनेट ओर होते हैं कल आपने पढ़ा था, और जो हमारे ऑक्साइड ओर होते हैं जैसे हमारा हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, इन सब का कंसंट्रेशन हम इसी मेथड के थ्रू करते हैं। अगला हमारा होता है फ्रोथ रोटेशन मेथड, जिसे हम लोग बोलते हैं फैन फ्लोरम विधि। जो हमारा फ्रोथ रोटेशन मेथड होता है, इस मेथड के थ्रू मोस्टली हम लोग सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन करते थे। कल आपने पढ़ा था एग्जाम्पल कापर पायराइट, जो कापर पायराइट था CuFeS2, इसमें कापर का एक्सट्रैक्शन हमको करना होता था और आयरन का एक्सट्रैक्शन करना होता था। तो मेनली कापर के एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर ये मेथड यूज किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा कापर पायराइट है वो हमारा सल्फाइड ओर है। जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं उनका कंसंट्रेशन हम लोग फ्रोथ रोटेशन मेथड के थ्रू भी करते हैं। इसमें होता क्या, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग फिगर देख रहे हैं, एक यहाँ पर बास है, बास मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर एक तरफ से हम वाटर को यहाँ पर प्लेस कराते हैं, दूसरी तरफ से वाटर हमारा यहाँ से निकलता रहता है। अब करते क्या है, यहाँ पर एक टूयर लगा होता है, टूयर के द्वारा हम लोग एयर को यहाँ पर पास कराते हैं। टूयर के द्वारा हम लोग यहाँ पर एयर को पास कराते हैं। करते क्या है, सबसे पहले इस पॉट में हम लोग वाटर को भर देते हैं। वाटर को भरने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो बारीक पीसा हुआ ओर होता है, जो यहाँ पर क्रशिंग ओर होता है जिसका हमको कंसंट्रेशन करना होता है, उसको यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल डालते हैं। ऑयल जो होता है वो पॉम ऑयल होता है, चीड़ का तेल होता है, और थोड़ा सा पोटेशियम एथिल जिंथेट। क्या क्या डालना है आपको, सबसे पहले जिस ओर का कंसंट्रेशन करना होता है उसको यहाँ पर फिल करना है, देन वाटर फिल करना है, देन पाम ऑयल, देन पोटेशियम एथिल जिंथेट को यहाँ पर फिल कर देना है। और टूयर के द्वारा क्या करना है, हमको वाटर एयर को यहाँ पर पास करना है। अब होता क्या है, अब जैसे यहाँ पर हम लोग एयर को पास कराते हैं जितने जितने सारे चीजें होती हैं एक बार ऊपर नीचे यहाँ पर मिक्सअप हो जाती है। तो जो यहाँ पर हमारा ऑयल होता है वो वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो जो हमारे लाइट ओर होते हैं वो फ्लोट के रूप में ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट के रूप में ऊपर आ जाते हैं, जबकि जो हमारी इम्प्योरिटीज होती है, जो हमारी गैंग होती है, वो मड के रूप में नीचे बैठ जाती है। तो जो ओर होता है यहाँ से हम उसको निकाल करके फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो आपको ओर मिलेगा वो हमारा कंसंट्रेटेड ओर यहाँ से आपको मिल जाएगा, जबकि जो हमारा गैंग होता है वो नीचे यहाँ पर बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या है, दो चीजें होती हैं, एक यहाँ पर जल विरोधी होगा, एक यहाँ पर हमारा जल स्नेही होगा। तो जल विरोधी हमारा कौन होता है, ये हमारा ओर होता है, जबकि जल स्नेही हमारा कौन होता है, वो हमारा गैंग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड ओर है, जबकि लायोफोबिक का मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, गैंग है। तो इस तरीके से हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के थ्रू, जो हमारा फ्रोथ रोटेशन मेथड के थ्रू, सॉरी फ्रोथ
रोटेशन मेथड के थ्रू जितने भी हमारे सल्फाइड ओर होते हैं उनका हम लोग कंसंट्रेशन कर लेते हैं। आगे कल इसी के बारे में बात करेंगे। एक हमारा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, देन हमारा होता है लेचिंग। कल हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड की बात करेंगे और लेचिंग की बात करेंगे।